हेलो टू ऑल माय स्मार्ट ब्यूटीफुल मॉम्स एंड माय स्मॉल यूट्यूब फैमिली, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाएंगे 10 मिनट में बनने वाली एक बहुत ही टेस्टी और इजी स्वीट की रेसिपी, जिसे बच्चे बड़े सब पसंद करेंगे। तो चलिए जल्दी से ये रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। गैस को ऑन करके एक कढ़ाई लेकर इसमें हम डाल रहे हैं 250 ml जितना फ्रेश क्रीम। यहाँ पर मैंने 250 ml का एक अमूल फ्रेश क्रीम का पैकेट लिया है, इसको मैं इसमें डाल देती हूँ। उसके बाद हम डाल रहे हैं 5 tablespoon जितना मिल्क पाउडर। यहाँ पे मैंने बिग टेबलस्पून यूज़ किया है और इसी से हम बाकी इंग्रेडिएंट को मेज़र करेंगे। गैस के फ्लेम को आपको लो रखना है और इसको मैं डालते ही बहुत ही अच्छे से अमूल फ्रेश क्रीम के साथ मिक्स कर रही हूँ, ताकि कोई भी लम्स ना बने। तो इस तरह से आप ज़रूर मिक्स करें। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम डाल रहे हैं 1 tablespoon जितना शुगर पाउडर। तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पे बहुत ही कम शुगर यूज़ किया है। आप अपने हिसाब से अपनी शुगर जो है मिठाई आप ऐड कर लीजिएगा। अभी मैं थोड़ा सा शुगर कम खाने लगी हूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा शुगर कम यूज़ किया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम डाल रहे हैं 1 tablespoon जितना कोको पाउडर, और इसी से इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से कंटिन्यू चलाने के बाद आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छे से मैंने इसको भी मिक्स कर लिया है। इस टाइम पे हम डाल रहे हैं 2 tablespoon जितना कोकोनट पाउडर, यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। 1 से 2 मिनट तक इसे हमें चलाना है। चलाते हुए ये धीरे धीरे टाइट होने लगेगा। चम्मच के हेल्प से इसे हम थोड़ा सा क्लीन कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा टाइट हो चुका है और एक डो भी बन जा रहा है। इस टाइम पर हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको निकालेंगे। प्लेट में मैंने निकाल लिया है और इसको स्प्रेड कर दिया है अच्छे से, ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। तो इसको हम कम्प्लीटली कूल डाउन होने के लिए रख देंगे। तो हमारा ये डो बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है और पहले से टाइट भी हो चुका है, आप देख सकते हो। और इसको मैं थोड़ा सा हाथ के हेल्प से और चम्मच के हेल्प से स्क्वायर शेप देने की कोशिश कर रही हूँ। आप चाहे तो राउंड शेप देकर भी इसे लड्डू की तरह बना सकते हैं, या फिर आप कोई भी मनचाहा शेप देके इसको काट भी सकते हैं। इस तरह से मैं एक स्क्वायर शेप देकर इसको मैं काटूंगी। तो कुछ इस तरह से हमने इसको स्क्वायर शेप में काट लिया है और इसके मिडिल में थोड़ा सा ड्राई नट पाउडर के साथ हम इसको गार्निश कर रहे हैं। और इसे हम रख देंगे 1 से 2 घंटा तक फ्रिज में, ताकि ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाए। आप चाहे तो पहले फ्रिज में रख सकते हैं, उसके बाद इसको कट कर सकते हैं। इस तरह से मैंने ये बहुत ही ईजी और टेस्टी एक रेसिपी बनाई है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें और कैसी बनी है वो कॉमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साइड के बेल बटन को करना मत भूलिए। इससे आप मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिस नहीं करेंगे। मेरे चैनल पर आपको और भी तरीके की वीडियोस देखने को मिल जाएगी, तो मेक श्योर एक बार आप जरूर चेक करें। मिलती हूँ किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।